क्लब्स ऑफ न्यू वीडियो वेरी वेल। सो गाइस फाइनली आज मैं लोकेशन के लिए निकल गया हूँ। एंड गाइस लोकेशन क्या रहेगी मैं वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन से समथिंग 23 से 24 घंटे का रास्ता कवर किया है। सो गाइस सीक्रेट रहेगा आपके लिए, एक सरप्राइज रहेगा कि आज व्यू क्या है। तो गाइस आप लोग इतना तो जानते हो कि ट्रेन चल रही है तो काफ़ी दूर गया हूँ मैं एंड काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। सो गाइस आज का व्यू बहुत तगड़े होना है। एंड अगर आज का व्यू तगड़ा नहीं हुआ ना तो आप लोग सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब कर दो, मेरे को कोई बट आज का व्यू अच्छा रहेगा यहाँ तक मैं। सो गाइस फाइनली मेरे को यार एलर्जी है, थोड़ा सा गले में खराश टाइप की रहती है तो मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। महाराज जी सुपरी में जा रहे हैं और हम लोग सुपरी छोड़ के जा रहे हैं। अब हम लोग जब ही आएंगे जब आप लोग हमारा भी ऐसे एकदम स्वागत करोगे वीडियो बनवाई, जब तक हम सेलिब्रिटी नहीं बन जाते ना जब तक शुक्रिया में नहीं आएंगे। हमारे पीछे आगे इतनी गाड़ी होना चाहिए और शुक्र का हर पैसे वाला इंसान हमारे आगे पीछे होना चाहिए। नहीं हुआ तो हम लोग शुक्रिया में फिर से आएंगे। टाटा और वाई वो वैसे पॉलिटिक्स ही लंबा हो सकता है। उधर राहुल व्यास चढ़ा था भाई आचा सही था, कुछ विरोध कर सकते हैं फिर तो वो अपन में केस लगा देंगे अभी नहीं लगा। ओके सो गाइस अभी टीवी मॉल में आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं, वो अच्छी चीज़ है कि इधर एक कैफे निकल गया मस्त स्टारबक्स का, तो काफ़ी मस्त है एकदम बढ़िया था ये स्टारबक्स का कॉफी का मस्त है। तो आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हो एकदम मस्त वाला, अगर बंदी है तो उसके साथ आओ, अकेले हो तो क्या ही करोगे आगे फिर घर पे रहो पैसे बचाओ। सही है भाई। तो भाई तो ये मेरा दोस्त है, इसका सिलेक्शन हो गया है SSC स्टेनोग्राफर से, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट मिली है उसको, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उधर ही है, उधर से मैं शॉपिंग करा लाऊंगा कुछ मस्ती। सो ये कुछ डीवी मॉल का भी है, इसके बाद मैं जाऊंगा रेलवे स्टेशन क्योंकि वहां से रिजर्वेशन है, फिर सीधा दिल्ली का भी दिखाऊंगा। ओके मुन्नु भाई ये फर्स्ट मेट्रो ये कौन सा था बिकाची बाहर निकलने वाला है। अरे श्योर कि तूने ही छोड़ा है, बता बता बता। आई एम इतना भी कठिन नहीं था जितना लोग सोचते हैं कि है ना मेट्रो से निकलना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन भाई कभी कभी तो मैं ही भूल जाता हूँ येलो और पिंक लाइन में, कभी कभी तो कन्फ्यूज मेरे मन में रहता है कि येलो लाइन में जा रहा हूँ या पिंक लाइन में रहूँ। यह आ गया इसका निर्माण भवन, यहाँ पे इसको छोड़ना था और अब मुझे जाना है। वैसे यहाँ पे छोड़ के जा सकता हूँ मैं इसको, पर मैं पैसे वसूल करके जाऊँगा। पैसे वसूल साला कब तक पैसे वसूल करूँगा। ये है निर्माण भवन, ये है उद्योग भवन,
कहाँ पे उद्योग भवन? वायुसेना मुख्यालय है। वायुसेना मुख्यालय और काफ़ी सुंदर है। ये है मुन्नू भाई का उद्योग भवन, जो कि डॉक्यूमेंट इसका वेरिफिकेशन हुआ है यहाँ पे कहीं, बट जो निर्माण भवन में होना है, उद्योग भवन में होना है, निर्माण भवन। पर यहाँ का व्यू अच्छा लग रहा है भाई, तो अगर ड्यूटी पर आएगा तो मस्त लगेगा, दिल को सही है। अच्छा एटमोसफेयर है, कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर। 270 मीटर दूर है, इधर भी आएंगे देखें अपन, इधर भी जाएंगे 270 मीटर। लेकिन अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला हम लोगों को, मतलब तो हम बाहर आते हैं तो इतनी ज़्यादा भूख लगती है। फाइनली मुन्नू भाई का ऑफिस इस बिल्डिंग में है, जो कि 7th फ्लोर पर है। मुन्नू भाई कैसा लग रहा है अपनी मंजिल पर आगे? अब ये कॉल लगा रहा है पैसा वसूल करने के लिए। गाइस ये वाली बिल्डिंग पहले आया था ना मैं, जब मैंने चांदनी चौक का ब्लॉग किया था, जब वो बन रही थी उस वही बिल्डिंग है। बहुत तगड़ी बन रही है भाई, बहुत एक्टिव। ये बिल्डिंग चांदनी चौक पे लगभग 2-3 साल से बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 साल हो गए, बट काफ़ी सुंदर बन रही है। ओम मैं मेरे को पता नहीं है बिल्डिंग।